नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो अब हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि जो ईआर जो होते हैं वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, उसके सारे जो पार्ट होते हैं ना साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन गोल्जी जो बॉडी है यह एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यह कॉम्प्लेक्स के साथ रहेंगे। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसकी संरचना एज इट इज मिलते हैं किसके जैसा, ईआर के जैसा। लेकिन सिस्टर्ने के इसके दो भाग पढ़ेंगे, एक तो सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। तो आपको ईआर में पढ़ा चुका हूं कि सिस फॉर्म क्या होते हैं। सिस फॉर्म का मतलब होता है सिस, इसका मतलब न्यूक्लियस इधर है सेंटर की ओर, तो ये वाले जो फेस कहलाएंगे इसके, ये कहलाते हैं सिस फॉर्म। और ये वाले जो फेस इधर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर हो, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये वाले फॉर्म कहलाते हैं कौन, ट्रांस फॉर्म। तो ये ध्यान रखोगे, सिस फेस इसे कहेंगे सिस फेस, सिस का मतलब सेंटर की ओर केंद्रक की ओर वाले सिस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर वाले क्या कहलाएगा, ट्रांस फेस। होता क्या है, गोल्जी बॉडी का मुख्य जो कार्य है ना कोशिका का श्रावण है, यानी सेल सिक्रीशन है। सर सेल सिक्रीशन नहीं आ रहे हैं समझ में, आप क्या समझाना चाह रहे हो। देखो सिक्रीशन का मतलब होता है ना यहां से कोई पदार्थ को ला करके झिल्ली से बाहर भेज देना, उसको कहते हैं सिक्रीशन यानी श्रावण। यहां कोई पदार्थ जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जिसे दीर्घ अणु बोलते हो, उसमें हो सकता है कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स हो, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हो, इस मॉलिक्यूल्स को वेसाइकल की सहारा से मॉडिफाइड करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो हो सकता है, मॉडिफिकेशन करके रूपांतरित करके उपयोगी भाग बनाकर इसे झिल्ली से बाहर कर देना, इसे झिल्ली से यानी सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर कर देना कहलाता है क्या, सेल सिक्रीशन या कोशिका श्रावण कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर इसका हम भाग देखें तो ये वाले देखो क्या कहला रहा है, सिस्टर्नी, ये वाले क्या कहलाएगा, सिस फॉर्म, इधर वाले क्या कहला रहा है, ट्रांसफॉर्म, ये गोल गोल वाले क्या कहलाता है, वेसाइकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, आशय कहते हैं, और एक पार्ट और इसका छूट गया जो कहलाएगा टिब्यूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम दिखाते हैं इसमें आपको कि कैमिलो गोल्जी, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो खोज किया था, कहा जाता है उल्लू के तंत्रिका तंत्र में किया गया था, यानी कि किसे, कोशिका तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं नर्व सेल, कौन सा सेल बोलते हो, नर्व सेल में सबसे पहले खोजा गया था क्या, गोल्जी बॉडी। और इनको जो खोजे थे ना, इन वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गोल्जी, तो ये अपने नाम पे ही नाम रख दिए। गोल्जी काय के विभिन्न नाम होते हैं, ये ध्यान रखना, आप गलत कर दोगे। जैसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, माइट्रो नहीं है, लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपो का मतलब होता है लिपिड अधिक मात्रा में होंगे, इसलिए लाइपोकॉन्ड्रिया। डिक्टियोसोम, पादप गोल्जी काय को हम बोलते हैं डिक्टियोसोम, तो ये याद रखना। अगर गोल्जी बॉडी ऑप्शन नहीं है और डिक्टियोसोम ऑप्शन है तो भी हमें ये टिक करना है कि इसका अदर नेम क्या है, डिक्टियोसोम। पादप गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के तीन भाग हम पढ़ते हैं, तीन भाग कौन कौन, तीन भागों से मिलकर बना है। पहला जो भाग है इसे पार्ट ए कहते हैं, जिसे सिस्टर्नी कहोगे, और दूसरा जो भाग है दोस्त उसे टिब्यूल्स कहते हैं, टिब्यूल्स कहते हैं, और तीसरा जो भाग है इसे वेसाइकल या आशय कहते हैं, वेसाइकल या हिंदी में कहते हो क्या, आशय, या वेसिकल भी लिखा रहेगा। तो इसके भी तीन पार्ट है, पहला जो भाग है उसे सिस्टर्नी, सेकेंड भाग जो है उसे टिब्यूल्स, और थर्ड भाग जो है वेसाइकल। क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों की संरचना लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। केंद्रक की ओर जो होता है उसे सिस फेस कहते हैं, तीसरी बार आ गया, और झिल्ली की ओर जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस
कहते हैं। तो ये फिर दिखा रहा है ट्रांसफेस और ये सिस फेस। अब ट्रांसपोर्ट कर रहा है देखो वेसाइकल को, वो किसके द्वारा होता है, ये वेसाइकल, इसके द्वारा क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, इसका नाम क्या है सिक्रेटरी वेसाइकल्स। तो ये क्या करेंगे, कुछ जो पदार्थ है उसको सिक्रीट करेंगे यानी श्रावण करने का काम करेगा। और अच्छे से इस इमेज में हम समझते हैं कि गोल्जी काय का मेन फंक्शन जो होता है जिसे हम कहते हैं सेल सिक्रीशन, तो सेल सिक्रीशन इसका जो मेन फंक्शन है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां ये वेसाइकल, ये वेसाइकल, ये वेसाइकल, ये वेसाइकल, गोल्जी एपरेटस यहां आ गया। अब ये अंदर की जो फॉर्म है इधर कौन सा फॉर्म कहोगे, सिस, सिस फेस से कहां जा रहा है ट्रांस फेस में। अब ये ट्रांस फेस से देखो सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स यहां लेकर, और ये जो भाग दिख रहा है आपको इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहां से कहां चला जाएगा बाहर। अब इसमें है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, किससे, एक कोशिका से दूसरे कोशिका। मान लिया जाए किसी और कोशिका में मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेंगे तो वो सिक्रीशन का काम किसने किया, गोल्जी बॉडी करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम इसका क्या होता है, कोशिका का श्रावण। इसमें मैं लिख दिया हूं दीर्घ अणु, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कोशिका के बाहर भेज दिया जाता है। इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, इसे कहते हैं डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ट्रैकिंग इन सेल। अब प्रश्न ये आता है मिडिल मैन ऑफ सेल कौन है, मिडिल मैन यानी कि जब होते हैं ना आप देखते हो दुकान में जो प्रोडक्ट आते हैं तो वो हम डायरेक्ट वहां से लेते हैं, पर वो प्रोडक्ट को लाया कौन होगा, तो बीच वाले जो इंसान होते हैं गाड़ी पे सुबह चिप्स लेके आते हैं बेचारे, ये वो मिडिल मैन है जो पहुंचाता है आपको कहीं से, थोक उपभोक्ता से लाकर हमारे पास डायरेक्ट आते हैं दुकानों से। तो ये ध्यान रखना वो कई क्या है मिडिल मैन, तो मिडिल मैन ऑफ द सेल कहा जाता है किसको, गोल्जी बॉडी को। तो इसका मेन फंक्शन आपको याद रखना है सेल सिक्रीशन किसका फंक्शन है, तो सेल सिक्रीशन सर गोल्जी बॉडी का है। मिडिल मैन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो ये गोल्जी बॉडी को कहते हैं। तो ये आपको यहां समझ गया कि इधर से इधर बाहर भेजना। अगला हम और समझते हैं कि लाइसोसोम का निर्माण। देखो अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि अगर ईआर हो तो ईआर बनाता किसको है, गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी डायरेक्ट किसको बनाता है, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम का ऑप्शन आ जाए तो ये वाले फर्स्ट रैंक देंगे गोल्जी बॉडी को। तो लाइसोसोम का निर्माण कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा, यानी कि सेल वॉल, सेल वॉल जो मटेरियल होते हैं, सेल वॉल मटेरियल या सेल वॉल मैट्रिक्स लिख दूं, कल हमने लिखा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होते हैं, जब दो ईंट को चिपकाते हो तो जो सीमेंट बालू गिट्टी यानी पत्थर पानी ये सब मिला उला के बनाते हैं, वो मैट्रिक्स बन गया। तो सेल वॉल का मैट्रिक्स क्या था, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, पेक्टिन है, लिग्निन है, सुबेरिन है, ये सब क्या होते हैं मैट्रिक्स कहलाते हैं, सेल वॉल मैट्रिक्स। तो सेल वॉल मैट्रिक्स का क्या करता है दोस्त, निर्माण करते हैं। कोशिका निर्माण के समय कोशिका का पट्टी, जब कोशिका निर्माण बनते हैं तो सेल प्लेट का भी निर्माण करते हैं, किसका, सेल प्लेट का निर्माण। आप जानते हो जब आपको मैं पढ़ाया हूं सेल डिवीजन, तो सेल प्लेट का निर्माण पी से प्लेट पी से प्लांट, प्लांट में बनते हैं ये सेल प्लेट, जबकि एनिमल में बनता है खाच। एनिमल की सेल ना डायरेक्ट इस तरह से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फौरो। ये जो बना ना इसको बोलते हैं FURROW, फौरो यानी कि खाच। ये खाच जो सेल डिवीजन के समय जो बनता है ये किसमें बनते हैं, एनिमल सेल में खाच बनते हैं। लेकिन प्लांट सेल में बात करूं तो प्लांट सेल में एक सेल प्लेट बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शुक्रजनन, शुक्रजनन का मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के समय किसका निर्माण करना, एक्रोसोम। ये आगे वाले जो भाग दिख रहा है ना ये है एक्रोसोम, इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं, ये एंजाइम जो पीएच आप जानते हो लाइसोजोम में पढ़ोगे, इसका पीएच 5 के आसपास होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जरा समझते हैं, ये स्पर्म के तीन भाग आपने, ये तो हेड वाले भाग है, ये इसका मिडिल पीस है, एम से मिडिल, याद रखना एम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाए जाते हैं? मिडिल भाग में, मध्य भाग में, और पीछे वाले ये टेल है। तो अगर कोई ये अंडा है तो इस अंडा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस अंडा को गलाने के लिए, सबसे पहले ये स्पर्म, स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम, ये ध्यान रखना, ये एक्रोसोम यही क्या करता है, इस भित्ति को गलाने का काम करता है। अगर इस एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर कम होगा तो यहां पे एसिडिक मीडियम, ये किस मीडियम में काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम, पीएच 5 है, तो ये एसिडिक मीडियम डेवलप नहीं होंगे। अगर ये डेवलप नहीं होगा तो ये भित्ति जो है ना, अंडे की दीवार, एग का जो सेल है, मेम्ब्रेन, ये यहां से टूट नहीं पाएगा, और टूटेगा नहीं तो ये अंदर नहीं जा पाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर एक्रोसोम ताकतवर नहीं है तो वो संतान पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये शुक्राणु अंदर इंटर ही नहीं करेंगे। तो एक्रोसोम का भी निर्माण कौन करता है? ये करते हैं दोस्त गोल्जी बॉडी। तो ये एक छोटा सा कहानी था किसका, गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी का रिवीजन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है सर, जबकि ईआर एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। गोल्जी बॉडी के तीन पार्ट पढ़ेंगे, सिस्टर्नी पढ़ेंगे, ट्यूबुल्स पढ़ेंगे, वेसाइकल पढ़ेंगे। सिस्टर्नी के दो भाग पढ़े हुए, एक तो सिस, एक ट्रांस। सिस का मतलब सेंटर की ओर, न्यूक्लियस की ओर सिस, और बाहर की ओर जो होंगे उसे ट्रांस कहते हैं। सेल सिक्रीशन जब होता है तो अंदर से वेसाइकल के थ्रू कहां जाएंगे, बाहर, यानी सिस फेस से कहां जाएगा, ट्रांस फेस की ओर जाएगा, इसे हम सेल सिक्रीशन कहते हैं। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले खोजा था कैमिलो गोल्जी ने, इसीलिए अपने ही नाम पे इसको बोल दिया गोल्जी बॉडी। प्लांट में इसे डिक्टियोसोम के नाम पे, नाम से भी जाना जाता है। लाइकोकॉन्ड्रिया भी इसे कहते हैं। लाइकोकॉन्ड्रिया का मतलब इसमें लिपिड की मात्रा क्या होंगे दोस्त, अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी निर्माण किसका करता है, तो गोल्जी बॉडी निर्माण करता है लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है कि सेल प्लेट का निर्माण करता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक्रोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक छोटी सी क्लास हुआ जो हमने कंप्लीट किया किसका, गोल्जी बॉडी के बारे में। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए